पंजाब छाड़ा ने वड्डी तबाही मचाई हुई है। बेशक सरकार वालों शुरू तो ही स्थिति कंट्रोल हेठ होने के दावे किए जा रहे हैं, पर हड़ां के पानी ने सूबे के 14 जिलों में तबाही मचाई हुई है। सरकारी अंकड़ों मुताबक सूबे में हड़ के पानी या मीह कारण 29 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दे नाल ही हड़ नाल 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकारी सूत्रों मुताबक पंजाब के वख-वख हड़ प्रभावित जिलों में पानी नाल भरे इलाकों में 25,000 तो वध लोगों को सुरक्षित थावां ते पहुँचाया गया है। पंजाब के 14 जिला पटियाला मोगा लुधियाणा मोहाली जलंधर संगरूर पठानकोट तरन तारण फिरोजपुर फतेहगढ़ साहिब फरीदकोट होशियारपुर रूपनगर से शहीद भगत सिंह नगर प्रभावित हुए। इस तरह पंजाब अंदर सड़कों पर पुलों का भी काफ़ी नुकसान होया है। खनौरी नेड़े नैशनल हाईवे 71 समेत कुछ सड़क हड़ां के पानी कारण हुए नुकसान कारण आवाजाई लिए बंद कर दी गई ने। हड़ प्रभावित 25,160 लोगों सुरक्षित थावां पर भेजा गया है। राज विच कुल 164 राहत कैंप चल रहे हैं, जिन्हों में 3331 लोग रह रहे हैं। हड़ नाल 1.60 लाख हैक्टेयर तो वध वाहीयोग जमीन प्रभावित हुई है। उधर पंजाब के प्रभावित खेतरों में राहत कार्य जारी हैं, पर इस दौरान पानी नाल होने वाली बीमारियां फैलन का खदशा है। अधिकारियों ने दसाया कि हड़ प्रभावित खेतरों में पानी जमा होने नाल पैदा होने वाली बीमारियों के खतरे को देखते हुए सेहत विभाग के अधिकारियों अजिहे किसी भी संकट को रोकने लिए ढुकवें कदम चुकन के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि हड़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लोगों को दवाइयां वंडियां जा रही